हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटॉम्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एंड्रॉयड फ़ोन से ऐप को डेटा के साथ परमानेंटली कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, कैसे डिलीट कर सकते हो। कई बार हम ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं जिससे जो ऐप का जो कैक होता है, जो एक्स्ट्रा डेटा होता है, वो हमारे फ़ोन मेमोरी में सेव हो जाता है। जैसे अगर हम इस ऐप को डायरेक्टली अनइंस्टॉल करेंगे तो इसका जो भी छोटा सा कैक है जिसमें डेटा होता है, वो हमारे फ़ोन मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो इसे परमानेंटली सारे डेटा के साथ डिलीट कैसे करें, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐप को परमानेंटली डेटा के साथ डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको फ़ोन पर प्रेस करके रखना है। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा ऐप इन्फो करके, आपको ऐप इन्फो पर चले जाना है। अब ऐप इन्फो पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐप की सारी डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड कैक, तो आपको यहाँ पर जाना है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जो ऐप साइज़ है वो 140 MB है, और जो इसका यूज़र डेटा है वो 26.94 MB है, और जो इसका कैक है वो 11.94 MB है, जिससे ये पूरी गेम 179 MB की हो जाती है। तो अगर हम इसे डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर देते हैं तो यहाँ पर इसका जो कुछ डेटा है वो फ़ोन मेमोरी में रह जाता है। अब इसे परमानेंटली डेटा के साथ अनइंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर आकर क्लियर स्टोरेज कर देना है, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हो दिस ऐप डेटा इंक्लूडिंग फाइल्स एंड सेटिंग्स विल बी परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम दिस डिवाइस। यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र डेटा भी और कैक भी ज़ीरो हो चुका है। अब आप इसे अगर अनइंस्टॉल करना चाहो तो आपको यहाँ पर जाकर इसे अनइंस्टॉल कर देना है, जिससे ऐप अपने सारे डेटा के साथ आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।